नमस्कार, मैं शिवानी भिलवाड़ा हलचल में आपका स्वागत करती हूं। आज के मुख्य समाचार। सुभाष नगर इलाके में बीती रात एक जूस सेंटर आग की भेंट चढ़ गया। दुकान में रखे 2 से गैस सिलेंडर नहीं फटे, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। आग शॉर्ट सर्किट के चलते लगी, वहीं आग से 1 लाख रुपए के नुकसान का अनुमान। राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस पर पुलिस लाइन में आयोजित होने वाले समारोह की तैयारियों को बुधवार को अंतिम रूप दिया गया। परेड ग्राउंड पर अतिरिक्त कलेक्टर रतन कुमार ने झंडारोहण कर ली परेड की सलामी। बैंक के बाहर से वृद्ध के 1 लाख रुपए ले भागे चोर। बागोर कस्बे की स्थानीय पंजाब नेशनल बैंक शाखा में हुई घटना। दहेज की खातिर पत्नी को मरने के लिए मजबूर करने वाले पति प्रभुलाल बंजारा को 7 साल की सजा। विशिष्ट न्यायाधीश ने सुनाया फैसला। प्रतापनगर थाने के सामने आवरी माता के नजदीक एक फैक्ट्री मालिक की कार बेकाबू होकर मेजा नहर में जा गिरी। हादसे में नहीं हुई कोई जनहानि, मची अफरा तफरी। प्रतापनगर थाने के सामने आवरी माता के नजदीक बुधवार सुबह एक फैक्ट्री मालिक की कार बेकाबू होकर मेजा नहर में जा गिरी। गनीमत रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। वहीं इस घटना से एक बार की वहां अफरा तफरी मच गई। प्रतापनगर थाने की सब इंस्पेक्टर राधा अहिर ने BHN को बताया कि वसंत विहार निवासी शांतिलाल अजमेरा बुधवार सुबह कार से फैक्ट्री जा रहे थे। आवरी माता मंदिर के नजदीक रिको 4th फेस मार्ग पर कार बेकाबू होकर नहर में जा गिरी। आसपास मौजूद लोगों ने कार सवार अजमेरा को नहर से बाहर निकाला और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर क्रेन की मदद से कार को नहर से निकलवाया। वहीं पुलिस के आने से पहले अजमेरा अपने घर जा चुके थे, बाद में उनका बेटा मौके पर पहुंचा। धर्मेंद्र कोठारी की रिपोर्ट। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर असम में हमले के विरोध में बुधवार को NSUI ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा का पुतला दहन किया। NSUI के जिला अध्यक्ष भावेश कुमार पुरोहित ने बताया कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की पूरे देश भर से परमिशन लेने के बावजूद असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा ने यात्रा को जगह जगह रोककर कभी पत्थर, कभी पानी, कभी बैरिकेड लगाकर यात्रा को बाधित कर परेशान किया जा रहा है। इस घटनाक्रम के विरोध में भिलवाड़ा NSUI ने कलेक्ट्रेट पर हेमंत बिस्वा के खिलाफ नारेबाजी व प्रदर्शन कर उनका पुतला दहन किया। संपत माली की रिपोर्ट। आज NSUI कार्यकर्ताओं द्वारा असम के जो मुख्यमंत्री है हेमंत बिस्वा जी का पुतला फूका गया। ये पुतला इस उपलक्ष्य में फूका गया कि किसी भी राज्य के अंदर दूसरे राज्य का अगर कोई भी व्यक्ति आता तो वो हमारा मेहमान होता है। हेमंत बिस्वा जी ने राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है इसके अंदर बैरिकेड लगाने का, भाजपा के गुंडों द्वारा पथराव करने का, पानी फेंकने का बहुत सा काम किया है। ये निंदनीय है। संघर्ष आदमी कर रहा है धरती धरातल पर तो उसको करने दिया जाना चाहिए। और राहुल गांधी जी के ऊपर FIR भी दर्ज हुई, हम इसकी करने की निंदा करते हैं और मंदिर भी जाने नहीं दिया है हमको। ऐसे बहुत से मुद्दों को लेकर हमने आज हेमंत बिस्वा जी का पुतला फूंका गया है। शहर के सुभाष नगर इलाके में बीती रात एक जूस सेंटर आग की भेंट चढ़ गया। गनीमत रही कि दुकान में रखे 2 गैस सिलेंडर नहीं फटे, अन्यथा एक बड़ा हादसा हो सकता था। आग शॉर्ट सर्किट के चलते लगी, वहीं आग से 1 लाख रुपए के नुकसान का अनुमान है। सुभाष नगर में छोटी पुलिया के पास स्थित बजरंग जूस के संचालक प्रहलाद राय शर्मा ने BHN को बताया कि मंगलवार रात 11 बजे वे दुकान बंद कर अपने घर चले गए। बुधवार सुबह वे कृषि उपज मंडी से नारियल खरीद कर जब दुकान पहुंचे तो शटर नहीं खुले। अथक प्रयास के बाद जब शटर खोला तो अंदर का नजारा देखकर वह सकते में आ गया। दुकान में रखा सभी सामान आग की भेंट चढ़ चुका था। शर्मा ने बताया कि इस घटना से दुकान में रखी 20 प्लास्टिक कुर्सियां, फ्रिज, 4 जूसर मशीनें, पंखा, टेबल, फल फ्रूट आदि सब कुछ जलकर राख हो चुका था। उन्होंने बताया कि आग शॉर्ट सर्किट के चलते लगी। वहीं इस घटना से 1 लाख रुपए का नुकसान भी हुआ है। उधर दूसरी ओर यह जानकारी भी सामने आई कि दुकान में गैस के भरे 2 सिलेंडर भी आग की लपटों से घिर गए थे, लेकिन गनीमत रही कि सिलेंडर फटे नहीं। अगर सिलेंडर फट जाते तो एक बड़ा हादसा हो सकता था। संपत माली की रिपोर्ट। मैं दुकान मालिक हूँ, रात को 11 बजे बंद करके दुकान
घर पे गया था, सुबह 9 बजे आया तो दुकान सारी जली हुई शॉर्ट सर्किट से। इतना नुकसान हुआ, क्या क्या पड़ा हुआ था? सारी मशीनें दुकान में जल गई, फ्रिज वगैरह सब जल गए, कुर्सी वगैरह सब जल गई। और क्या क्या सामान? बीस तो मेरी कुर्सियां थी और फ्रिज था और अपने जूस की चार मशीनें थी, सारी जल गई और शॉर्ट सर्किट से सारा काम। 10:30 पर ये छोटी पुलिया दुकान के मालिक बजरंग प्रहलाद जी शर्मा सोना बजरंगलाल शर्मा की दुकान में बता रहे हैं कि 11 बजे तक हम प्रेजेंट थे और रात को शॉर्ट सर्किट से आग लगी। कब लगी इस चीज़ की इनको जानकारी नहीं। सुबह इन्होंने दुकान खोली तो इनको पता चला दुकान जली हुई। इन्होंने लगभग 10:30 बजे सूचना थाने पर दी। थाने से जैसी सूचना मिली वहाँ से जाप्ता रवाना हुआ और मौके पर दुकान इनकी चेक की, जिसमें पाया गया कि दुकान के अंदर जितना भी सामान था इनका, जूस सेंटर मशीन वगैरह वगैरह जो भी है वो सब चल के खत्म हो चुका है। राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस पर पुलिस लाइन में आयोजित होने वाले समारोह की तैयारियों को बुधवार को अंतिम रूप दिया गया। परेड ग्राउंड पर अतिरिक्त कलेक्टर ने झंडारोहण कर परेड की सलामी ली। पुलिस लाइन में गणतंत्र दिवस समारोह धूमधाम से मनाया जाएगा। परेड के साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होंगे। पुलिस कर्मियों, एनसीसी कैडेट्स, स्कूली छात्र छात्राओं की परेड का पूर्वाभ्यास कई दिनों से चल रहा है। समारोह को लेकर बुधवार को अंतिम रूप दिया गया। इसी के तहत आज अंतिम रिहर्सल की गई। अतिरिक्त कलेक्टर शहर रतन कुमार ने ग्राउंड पर झंडारोहण कर परेड की सलामी ली। इस परेड में पुलिस कर्मी, एनसीसी कैडेट्स, स्टूडेंट्स ने भाग लिया। संपत माली की रिपोर्ट। ग्राउंड कलर पार्टी के आगे से गुजरता हुआ प्रमुख अतिथि का वाहन प्लेटून नंबर 8 का श्री जितेंद्र सिंह जी सब इंस्पेक्टर तिरंगे को सलामी के साथ ही अपनी आन बान और शान को प्रदर्शित करते। दहेज में 2 लाख रुपए, 2 किलो चांदी और 10 तोला सोने की मांग कर पत्नी को खुदकुशी के लिए मजबूर करने के 7 साल पुराने एक मामले में आरोपित पति प्रभुलाल बंजारा को 7 साल की कैद और 15,000 रुपए जुर्माने से दंडित किया गया है। फैसला विशिष्ट न्यायाधीश ने बुधवार को सुनाया। विशिष्ट लोक अभियोजक संजू बापना ने न्यायालय में 10 गवाहों के बयान करवाते हुए 13 गवाह पेश कर प्रभु पर लगे आरोप सिद्ध किए। न्यायालय सूत्रों के अनुसार बसेड़ी भाटी नीमच निवासी सदाराम पुत्र किशन बंजारा ने 3 मई 2016 को बिजोलिया थाने में फुपतपुरा निवासी प्रभुलाल पुत्र दीप सहित 7 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दी। सदाराम ने रिपोर्ट में बताया था कि आज से करीब 8 वर्ष पूर्व उसकी बहन माना बाई उर्फ बनिया का नाता विवाह प्रभुलाल बंजारा के साथ किया गया था। इसके बाद बहन ससुराल आने जाने लगी। माना ने एक बेटी को जन्म दिया जो अभी 4 साल की है। आरोपित का व्यवहार माना के प्रति ठीक नहीं रहा। दहेज की मांग कर उसे आए दिन मारपीट कर घर से निकाल देते। 3 माह पहले मारपीट कर उसे बेटी सहित घर से निकाल दिया, तब वह 6 माह से गर्भवती थी। माना को आरोपित ने धमकी दी कि दहेज के 2 लाख रुपए नगद, 2 किलो चांदी और 10 तोला सोना लेकर ही वापस घर में आना, नहीं तो पुत्री सहित जान से मार देंगे। इसके बाद माना पीहर में रहने लगी। 4 दिन पहले आरोपित माना को लेने आए। माना को गांव के मोतबीर लोगों व परिवारजन को बुलाकर उनके सामने बातचीत कर ससुराल भेज दिया। माना अपने ससुराल भोपतपुरा में रहने लगी। 2 मई 2016 की रात आरोपितों ने माना को दहेज नहीं लाने पर माना व गर्भस्थ शिशु की हत्या कर कुएं में डाल दिया। इसकी सूचना भी पीहर वालों को नहीं दी। गांव के 2 लोग शोक पत्रिका देने के लिए भूपतपुरा गए, तब उस उक्त घटना की जानकारी मिली। उन 2 लोगों ने परिवादी व परिवार को सूचना दी। इसके बाद वे भूपतपुरा आए। इस रिपोर्ट पर पुलिस ने अपराध धारा 498A और 306 भादस के तहत केस दर्ज किया था। पुलिस ने मामले की जांच कर आरोपित पति प्रभुलाल बंजारा को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट पेश की थी। इस मामले में सुनवाई पूरी होने पर न्यायालय ने आरोपित को सजा और जुर्माने से दंडित किया। प्रेम कुमार गढ़वाल की रिपोर्ट। ग्राम बरुंदरी के पटवारी के विरोध में ग्रामीणों ने मॉडलगढ़ तहसीलदार को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देकर पटवारी को हटाने की मांग की है।
ग्रामीणों ने बताया कि बरूनी पटवारी का कार्यालय नहीं खोलने व ग्रामीणों का फोन नहीं उठाने एवं कार्य नहीं करना, इन बातों को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश है। प्रदर्शन में बरूनी सरपंच गजेंद्र साहू, पुष्करलाल मीणा, श्यामलाल अहिर, नंदराम गुजर, राधाकृष्णा प्रजापत, श्यामलाल जाट, कैलाश कुमार चिंगर, विजय कुमार अहिर सहित अनेक ग्रामीण उपस्थित थे। रमेश डाड की रिपोर्ट। जवाहर नगर में पांसल रोड पर नालियों के पानी की निकासी नहीं होने के कारण गंदा पानी सड़क पर फैलने के साथ ही घरों की नींव में जाने से अब मकान में दरार आने लगी है, जिससे कभी भी हादसा हो सकता है। लोगों का कहना है कि वोट लेने के लिए नेता आ जाते हैं, लेकिन अब समस्या सुनने वाला कोई नहीं है। यहाँ के रहने वाले रतन सिंह का कहना है कि नालियों के पानी की निकासी नहीं हो पाने से अब पानी सड़क पर फैलने लगा और मकान की नींव में समा रहा है, जिसके चलते दीवारों में दरार आने लगी है। दरार आने के साथ ही फर्श भी बैठ गई है। इस तरह की शिकायत कई लोगों के मकान में दिखाई देने लगी है। यहाँ के रहने वाले संतोष का कहना है कि नालियों के पानी की निकासी नहीं होने से वार्ड नंबर 16 की इस गली में लोगों को नरकीय जीवन जीना पड़ रहा है, कोई सुनने वाला नहीं है। एक अन्य महिला निर्मला देवी का कहना है कि वोट के लिए तो सब चक्कर लगाते हैं और हम वोट देने के लिए हर समय तैयार रहते हैं, लेकिन हमारी समस्या सुनने वाला कोई नहीं है। नगर परिषद से लेकर पार्षद तक शिकायत की, लेकिन कोई ध्यान नहीं दे रहा, जिसके चलते मकान को तो नुकसान पहुंच ही रहा है, बीमारियां फैलने की भी संभावना बढ़ गई है। नालियों की निकासी के पानी के लिए रास्ता नहीं है और वही पानी भरा हुआ है। पार्षद को शिकायत कर दी, नगर परिषद को शिकायत कर दी, विधायक साहब को शिकायत कर दी, कलेक्टर साहब को शिकायत कर दी, भाई कोई पानी जाने के सफाई नहीं हो रही है, पानी यही भरा हुआ है, इसी कारण से सफाई नहीं हो पा रही, मच्छर हो रहे हैं और मकानों को धसने की संभावना है, बैठ गए मकान, पानी यही भरा हुआ है सारा। पानी भरने के कारण काफी आदमियों को, बच्चे को हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है, आए दिन की बीमारियों का हो रहा है, इसलिए कलेक्टर साहब से और नगर परिषद को भी लिखित में दे चुके हैं सब पब्लिक के। बट जाओ तब मैं लुगे आ जावा, अच्छा थोड़ी लाके देखो, और वोट के लिए मैं सब पहले आगे खड़ा हुआ और ये प्रॉब्लम में थे साथ कौन दे, जो मारो साथ कौन दे, तो गरीब की सोल्यूशन करो साहब। हमारे मोहल्ले में गंदगी बहुत हो रही, पानी जाने की जगह ही नहीं, आगे जल्दी से पानी जाने के लिए आगे जगह नहीं, और पानी भरा है मकान में, मकान की नींव ढसने में आ रही। बैंक के खाते से पैसे निकालकर बाहर आए वृद्ध की जेब से चोरों ने रुपए पर हाथ साफ किया। जानकारी के अनुसार बागोर कस्बे की स्थानीय पंजाब नेशनल बैंक शाखा में सांगवा निवासी उदयराम जाट अपनी आवश्यकता के अनुसार रुपए लेने बैंक के अंदर पहुंचकर 1,00,000 रुपए रोकड़ी निकालने के बाद बनियान के जेब में रख दिए। वृद्ध रुपए लेकर बाहर आया, जहां पहले से ही दो युवक खड़े थे, जिन्होंने वृद्ध को बातों में उलझाकर जेब से 1,00,000 रुपए लेकर फरार हो गए। घटना की जानकारी वृद्ध को अपनी बाइक पर बैठने के बाद लगी, तब तक चोर भाग गए। चोरी की घटना बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जहां पर युवक घटना के बाद भागते दिखाई दे रहे हैं। वृद्ध ने अपने साथ हुई चोरी की रिपोर्ट बागोर थाने में दर्ज कराई, जहां संदिग्ध युवाओं की पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं। बर्दीचंद जिनगर की रिपोर्ट। उमाजी का खेड़ा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय स्थित स्मारक पर बिजोलिया बेगू किसान आंदोलन के प्रणेता स्वर्गीय माणिक्यलाल वर्मा की 55वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। सर्वप्रथम अतिथियों का स्वागत सत्कार किया, तत्पश्चात वक्ताओं ने अपने उद्बोधन में वर्मा साहब के बताए आदर्शों पर चलते हुए समाज सेवा के लिए तत्पर रहने एवं विद्यार्थियों से उच्च शिक्षा ग्रहण करने का आह्वान किया। उसके पश्चात 2 मिनट का मौन धारण कर सभी ने मूर्ति पर माल्यार्पण व पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। अब एक नजर छोटी बड़ी खबरों की ओर। स्क्रैप के इंपोर्ट व एक्सपोर्ट में पार्टनर बनाने का झांसा देकर गुजराती ने आटून के जगदीश सनाढ़ी के 30,00,000 रुपए अब शूटर से गोली मरवाने की दे रहा है धमकी। डेलाना सरपंच के खिलाफ एफआईआर दर्ज, पेश कीमती भूमि को खुर्द बुर्द करने के लगे आरोप, जांच में जुटी गंगापुर पुलिस। जाजपुर का दीपक कुमार पंचोली अपनी भांजी की शादी में गया, चोरों ने सुने घर के चटकाए ताले, आधा तोला सोने के नावे और कमरे में रखी अलमारी से 4,500 रुपए की नकदी पर किया हाथ साफ। सेवानिवृत्त अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त, स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक एवं विशिष्ट सचिव सुरेश कुमार ओला ने जारी किया आदेश। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।